and I can see it's my own silhouette. I'm getting stronger. ये गाड़ी लगा, देखें, देखें बेटा, ये फाइनली दोस्तों अभी जो है हम लोग पहुँच चुके हैं अप्पा बाज़ार में। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये अप्पा बाज़ार का सीन है। हालांकि मैं अप्पा बाज़ार का ब्लॉग अभी तक किया नहीं हूँ, लेकिन अभी जो मैं जा रहा हूँ रास्ता में तो जो सीन कवर हो रहा है, यानी कि मतलब गाड़ी खाना चौक से आपका मेन रोड निकलने तक का जो भी रास्ता है, मैं इसका ब्लॉग अभी कर रहा हूँ। हालाँकि फिर मैं यहाँ का पर्सनल ब्लॉग लेके आऊँगा जिसमें मैं सारा चीज़ लगभग मैं कोशिश करूँगा सारा चीज़ एक्सप्लोर करूँ, जो भी यहाँ का आपका होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है, ये सब मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। तो आज का जो नज़ारा है इस नज़ारा में आप ये देख लीजिए। हालांकि ये रोड और यार और जाम नहीं मिले तो ये हो ही नहीं सकता, चूँकि मैं कई बार इधर से क्रॉस करता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे मतलब जाम मिलना ही मिलना है। बहुत कम बार ऐसा होता है जो कि जाम नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या नज़ारा होने वाला है। और हम लोग को जाना है अटल मार्केट, जो कि इससे पहले काफ़ी सारा ब्लॉग वहाँ का आ चुका है, लेकिन मैं कभी नहीं गया हूँ। आज मैं पहली बार वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कि वहाँ का क्या सीन होता है, आज हमें वहाँ क्या देखने को मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। चूँकि मैं बहुत जल्द एक नेपाल का टूर करने का सोच रहा हूँ, रांची टू नेपाल का, तो देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। अभी तो बस प्लान बन रहा है। कुछ लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि साथ में चलता तो अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे ग्रुप के जितने भी लड़के हैं यार, मतलब वो अक्सर ऐसा बोल रहा है कि जाना नहीं है ऐसा, मतलब तब देखते हैं क्या होता है। वो तो प्लान बनने के बाद ही देखा जाएगा, जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डायरेक्टली, या फिर वहाँ जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या सीन आता है। देखिए कितना जाम है यार, मतलब कह नहीं सकते हैं। और फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वेंडर मार्केट, और यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो यहाँ के बारे में मुझे कोई आइडिया है नहीं कि क्या है नहीं है। तो चलिए आज फिर से मेरे साथ जूनियर आया है, और जूनियर का यहाँ शॉपिंग करना है, कुछ कपड़ा ठंडा के लिए लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या सीन होने वाला है। आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करूँगा, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वेंडर मार्केट का सीन। और चलिए इसका हम लोग अंडर चलते हैं। हालांकि हम लोग मास्क भी लगा लिया, चूँकि मास्क बहुत ज़रूरी है। जूनियर भी लगा बाबू हाई कर दो एक बार सबको। बाबू आज एक्चुअली हुआ गया ना कि बाइक से जब हम लोग आ रहे थे तो लगभग यहाँ से रूम हम लोग का लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास है ऐसा करके। तो बाबू रास्ता में सो गया था, सोने के बाद अभी उठा है, तो इसका मूड ना थोड़ा सही नहीं है। हालांकि इससे पहले का एक वीडियो मैंने अपलोड किया पहाड़ी मंदिर का, वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को देखिए, उससे बाबू काफ़ी इन्जॉय किया है, वो सीन भी आपको उसमें मिलेगा। और इसके बाद चलिए हम आपको एक बार वेंडर मार्केट का सीन दिखा देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा है, ये वेंडर मार्केट का सीन है। और इसका चलिए आपको हम अंदर ले चलते हैं, अंदर जाकर आपको दिखाते हैं क्या क्या ब्लॉग्स होने वाला है, क्या सीन होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक बनाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम नहीं होता क्या? देखिए मार्केट में 90% मलाई कर रहा है, 10% नहीं करता है, नहीं करता है वो अच्छा। यहाँ पे मतलब फिक्स रेट होता है। अब हम बता दें यार कहें आपको दुगना बढ़ा के बोलेगा तब थका जाइएगा। ये देखिए इसलिए जो एक रेट लव का एल एल कट गया। काला है लाल है हाँ काला भी है। क्या नाम है आपका शॉप का? पिंटू। पिंटू अस्पताल है। जैकेट का ले लीजिए रुपये। जैकेट का ही कलेक्शन आ गया अभी। ये सिर्फ आपके पास लेडीज के लिए ही मिलेगा या फिर? मेरे पास लेडीज का है। सिर्फ लेडीज का ही। बगल में आपको जेंट्स का मिलेगा, इधर भी मिलेगा जेंट्स का। बाबू उधर देखो, उधर उधर। नया जैकेट कौन बेटा? बड़ा हो जाएगा। निकालिए। बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा साइज है। इससे छोटा तो नहीं है। 18 से। फोटो खींच लीजिए मगर। फोटो खींच लीजिए, बड़ा हो जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बच्चा लोग का जैकेट आ गया आपके पास? जैकेट आ गया। क्या आपका शॉप नंबर कितना है? शॉप नंबर 115 है। 115 सेकंड फ्लोर ना? सेकंड फ्लोर। ये सब बैग मतलब बैग का सेल करते थे? हाँ बैग। किस किस टाइप का बैग मिल जाएगा आपके पास? हर तरह का बैग मिलेगा, लेडीज बैग, जेंट्स बैग, कॉलेज का, स्कूल का, अच्छा टूर का, पहाड़ी पिट्ठू टू सब है। इधर लेडीज बैग भी आपको दिखेगा। क्या क्या रेंज होगा इस बैग का? ये बैग का हाँ ये आपका नाइकी का है। हाँ कम से कम प्राइस नाइकी का ओरिजिनल नहीं है, डी है आपका। हाँ इसका पड़ेगा आपको 250 रुपये, 250 रुपये का, 250 रुपये आपको ये बैग मिल जाता है यहाँ पे। और अब भैया आपका शॉप नंबर एक बता दीजिए क्योंकि जो भी आएगा नंबर मेरा 83 है, F83 F83 ना। हाँ F83 यहाँ दिखा दीजिए, ये देखिए F83 शॉप नंबर। मतलब फोन पे वगैरह से आप पेमेंट ले लेते हैं? फोन पे, गूगल पे सब, पेटीएम उटीएम सब। चलिए ठीक है, जान आपसे मिलकर अच्छा लगा। देखते हैं जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे आपके पास आएंगे कॉन्टैक्ट करते हैं, मेरे बारे में बताते हैं। देखिए लेडीज वेयर का कलेक्शन है, पिट्ठू टू 12 पिट्ठू का, इधर छोला ओला भी है बगल में। अच्छा ये बगल वाला का दुकान भी आप ही का है? हाँ हम ही लोग का है बाबा। देखिए ये झोला उला का भी कलेक्शन है, हर तरह का झोला मिलेगा। टिफिन उपिन का हो गया क्या रेंज है झोला का? अगर हम इस टाइप का झोला का देखते हैं, मान चलिए ये झोला अगर है तो ये सब झोला का क्या रेंज पड़ जाएगा? ये झोला का 120। जो प्राइस है आपका फिक्स है या फिर नहीं? 150 बता रहा है वो भी, 150 बता रहा है। इसमें 42 आता है, हल्का में आएगा वो कम कर, वो सब नहीं लगता। अच्छा अच्छा 40 अच्छा है। ये वाटर प्रूफ है? वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ तो कोई भी चीज़ नहीं रहता है। हाँ लेकिन वाटर इसमें होता है, थोड़ा बहुत पानी बर्दाश्त करेगा अंदर, मान के ये कटना नहीं चाहिए कुछ नहीं हो सकता, फिक्स यही रहेगा। अगर ख़राब निकलता है तो देखो गारंटी नहीं है सर, लेकिन जानते हैं 2 साल जगह चलता हूँ तो वहाँ कर देते हैं मतलब चलेगा। हाँ पता चला कि कट करके निकलने लगे, कट भर नहीं निकलेगा। देने वाला क्या रेट बताओ, इसको बताइए देना कितना होगा इसका? 450। Turn it on. We about to turn it on. जो करें अभी आप लगा यही रहेगा, यही रहेगा ही। हाँ पेरिंग फाइनली फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग था इस ब्लॉग में आपको हम यही दिखाने वाले थे। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपने कमेंट करके जरूर आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए ब्लॉग साथ। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।